दोस्तों, गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है कि जिन लोगों ने अपने राशन कार्ड की ई केवाईसी को कंप्लीट करवा लिया, वो लोग अपना डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हेड ऑफ फैमिली की पूरी डिटेल्स लिखी होगी और जितने भी सदस्य आपके राशन कार्ड में जुड़े हुए हैं उन सभी की डिटेल्स इस राशन कार्ड में आपको देखने को मिलेगी। और ये डिजिटल राशन कार्ड एक ऐसा राशन कार्ड है जिसे आप अपने फोन में रख सकते हैं, आपको अपना ओरिजिनल राशन कार्ड रखने की जरूरत नहीं है। इस राशन कार्ड को आप फिजिकल के लिए भी अपने फोन में कहीं भी दिखा सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट इसे लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट का ही एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। बस आपको अपने मोबाइल फोन में ये छोटा सा काम करना है अपने राशन कार्ड के लिए। और इस प्रोसेस से आप सिर्फ एक राज्य का नहीं, आप किसी भी राज्य से क्यों ना हो, आप जिस भी राज्य से हो और जिस राज्य का आप राशन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलर कोई एक राज्य का नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सभी राज्य का ये प्रोसेस बता रहा हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं भी आपको लाइव दिखाऊंगा। तो अगर आप भी करना चाहते हैं अपना डिजिटली राशन कार्ड डाउनलोड करना, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे, हो सके तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अपना डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे डिजी लॉकर। इतना लिखकर जैसे आप सर्च करेंगे ना, तो आपके सामने डिजी लॉकर नाम की एप्लीकेशन आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये इंडिया गवर्नमेंट का खुद का एप्लीकेशन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आप इसे नो टेंशन के अपने फोन में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसे पहले यहाँ से अपने फोन में इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ से ओपन करेंगे। मैंने इसे पहले से अपने फोन में डाउनलोड कर रखा है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इसका होम पेज इस तरीके से शो हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब आप जिसका भी राशन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं उसका फुल नेम यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसा नाम उसके आधार कार्ड में लिखा हुआ है वैसा का वैसा नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे और फिर यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। यहाँ से उसका जेंडर चूज कर लेंगे, मेल फीमेल वो जो भी है, और फिर यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। तो आप यहाँ पर वो वाला मोबाइल नंबर डाले जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है, और आप चाहे तो यहाँ पर अपने ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। और फिर यहाँ पर 6 डिजिट का एक एम पिन सेट करेंगे, तो आप अपने हिसाब से 6 डिजिट का कोई भी एक एम पिन सेट कर लेंगे और फिर यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो आप उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे और फिर यहाँ से सबमिट करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करना है और फिर यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते आपके आधार कार्ड के साथ जो वाला मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर भी एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करेंगे और फिर यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट डिजी लॉकर में सक्सेसफुली बन जाएगा। लेकिन हमने अकाउंट पहले से ही बना रखा है, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट ये दिखा रहा है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर अपना वो 6 डिजिट पिन डालेंगे जो हमने अभी क्रिएट किए थे और फिर यहाँ से साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ डालेंगे और फिर यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप डिजी लॉकर में सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब जैसे कि हमें यहाँ से अपना डिजिटली राशन कार्ड डाउनलोड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे राशन कार्ड। तो इतना लिखकर जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने सभी राज्य की वेबसाइट आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, असम, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, केरला, वेस्ट बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, MP, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यानी कि आप यहाँ से किसी भी राज्य का डिजिटल राशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप किस राज्य से हैं और किस राज्य का राशन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं उस राज्य की वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर दी, यहाँ पर आपका नाम पहले से ही आ जाएगा, क्योंकि ये अपना नेम आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली ले लेता है। आपको यहाँ पर सिर्फ अपना राशन कार्ड नंबर डालना है, तो राशन कार्ड नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर यहाँ से गेट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो ये आपके राशन कार्ड की डिटेल्स को फेस करने लग जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डिटेल्स फेस हो रही है और यहाँ पर आपका राशन कार्ड इशू हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको इसी पर ही एक क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका डिजिटली राशन कार्ड यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको अपने राशन कार्ड की पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी
और आपके राशन कार्ड में कितने सदस्य हैं यहाँ पर अपने सभी सदस्यों के नेम देखने को मिल जाएंगे और ये डिजिटली गवर्नमेंट से वेरीफाइड है तो यहाँ पर आप वेरीफाइड देख सकते हैं और इस पर आपको एक QR कोड भी देखने को मिल जाएगा और आप चाहे तो इसे यहाँ से ही अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं तो ये अपने फोन में डाउनलोड हो जाएगा और आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसे लेने से कोई मना नहीं कर सकता। तो डिजिटली राशन कार्ड डाउनलोड करने का यही एकमात्र तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं अपना डिजिटली राशन कार्ड डाउनलोड करना तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और आपके दिमाग में फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वरना फिर मिलेंगे ऐसे ही स्लाइड करते हुए।